असलम जी सो वी आर डन फॉर कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू डिज़ाइन ए बिज़नेस कार्ड तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली होंगी तो स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स को ओवरव्यू कर लेते हैं uh, जो नाम हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं दैट इज़ जॉन मैंगो जो कि हमने अपने कोटेशन डिज़ाइन वाले प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया था इसके बाद जो उसका जॉब टाइटल है दैट इज़ जनरल फ्रूटो बिकॉज़ मैंगो इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ़ ऑल फ्रूट्स सो हम कुछ उस तरह का टाइटल यूज़ करेंगे uh, इसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो साइड हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो साइड हम स्केच करने जा रहे हैं हमने वहाँ पर ई मेल को यूज़ नहीं करना सो फोन नंबर प्रोवाइड है एड्रेस हमें प्रोवाइडेड है इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंगज़ जो फाइल का साइज़ है जो उसकी शेप है वी आर गोइंग विद अ स्टैंडर्ड वन जो कि हमने लास्ट लेसन uh, में डिस्कस किया था थ्री पॉइंट फाइव इंचज़ बाय टू इंचज़ ठीक है इसी डायमेंशंस के साथ हम जाएंगे इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द हेक्सकोड जो कि इस ब्रांड का कलर है फॉर जब हम आ, इस डिज़ाइन को अपने टैंपलेट में प्लेस करने जाएंगे तो हम इस कलर को यूज़ करेंगे इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लोगो है वो हमने प्रजेंट करना है टू द अदर साइड ऑफ द बिजनेस कार्ड तो जो साइड हम आज डिज़ाइन करने जा रहे हैं स्केच करने जा रहे हैं तो इस साइड पे हम सिर्फ अपने इस कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे ठीक है उस साइड पे हम लोगों नहीं प्लेस करेंगे सो देर आर नो क्यू आर कोड्स फॉर दिस वर्यन देर आर नो सोशल लिंक्स और वेबसाइट को हम अपने इस वर्यन में शामिल करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्केचिंग ऑफ बिजनेस कार्ड तो मैं फोटोशॉप के अंदर ही इन दोनों लेयर्स को हाइड कर लेता हूँ मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ इसको हम ब्लैक कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है लेट्स क्रिएट अनदर लेयर और इसका जो साइज़ है वो तो हम थोड़ा सा ओके वी आर गुड विद द साइज तो स्केचिंग से पहले अगर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँ तो बिज़नेस कार्ड के लिए इंस्पायरेशन ली जा सकती है फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप पिन ट्रस्ट पर जाके बिजनेस कार्ड का कीवर्ड सर्च करें और यू कैन एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस जिसमें से आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने कॉन्टेंट को किस किस तरह से प्रजेंट किया जा सकता है डायरेक्टली हम लोग इलस्ट्रेटर में बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन स्टार्ट नहीं कर रहे हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की अब हम स्केचिंग कर रहे हैं और स्केचिंग के लिए वी आर फाइंडिंग सम इंस्पायरेशन्स तो स्केचिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि गो फॉर वेरी क्विक स्केचेस जो भी आपके जहन में आइडियाज़ आते हैं स्टैंडर्ड साइड बिज़नेस कार्ड का कुछ इस तरह से होता है तो इसका मैं साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ ब्रश का सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन मैंगो इसके बाद जी यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आना चाहिए यहाँ पे उसका जी और हमने इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट करनी है फ़ोन नंबर द एड्रेस और इसके अलावा जॉब टाइटल सो एड्रेस हम कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस को भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं जस्ट हैव अ लुक ऑन इट ठीक है और जो इसका जॉब टाइटल है फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब टाइटल हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बाद कोई ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं येस द वेबसाइट सो हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम वेबसाइट को कुछ इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे सो so, एक बड़ा क्विक स्केच है गो विद अनदर वन हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन हीयर उसका जॉब टाइटल यहाँ पे आएगा और उसकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल उसका फ़ोन नंबर उसका एड्रेस और उसकी वेबसाइट ठीक है एक ये बड़ा क्विक स्केच हो गया इसके बाद हम कुछ वर्टिकल फॉर्म्स की तरफ़ आते हैं हम कहते हैं कि हम वर्टिकल जो वर्टिकल साइड है बिज़नेस कार्ड की हम इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं सो so, यहाँ पे उसका बड़ा सा हमने नाम मेंशन कर दिया ठीक है यहाँ पे उसका जॉब टाइटल आ गया और इसके बाद ये नीचे उसकी बाकी डिटेल्स आ गई सो so, कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है आ, वापस आते हैं एक और स्केच बनाते हैं वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ इस तरह से उसका नाम लिखते हैं ठीक है वर्टिकल फॉर्म में उसका जॉब टाइटल एंड हेयर आर द अदर डिटेल्स सो मे बी दिस कैन बी दरियन एज वेल लेकिन अगर हम इंस्पायरेशनस की तरफ़ आएँ सो so इसको थोड़ा सा ज़ूम इन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें उसका नाम है और बाकी डिटेल्स उसकी यहाँ पर दी गई इसका मतलब इसके अलावा जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं उसके बाद इसके अलावा ये भी वर्यन हो सकते हैं सो देर कैन बी अ लॉट ऑफ इंस्पायरेशन टू डिज़ाइन अ बिज़नेस कार्ड हम वापस आते हैं सो लेट्स गो विद एनअर वॉरियन यहाँ पे हम उसका नाम प्रेजेंट करेंगे जॉन मैंगो यहाँ पे हम एक इसकी बैक साइड पे एक ग्राफिक एलिमेंट uh, प्रेजेंट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल और इसको हम कलर असाइन करेंगे जो कि उनका ब्रांड का कलर है यहाँ पे इसका जॉब टाइटल आएगा यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर उसका एड्रेस और इसके अलावा उसकी वेबसाइट भी हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे सो so, यहाँ पे हम कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर लेंगे दैट आर गोइंग टू बी लाइक दिस ठीक है सो ये एक ऐसा वरियन जो हमने क्लाइंट के साथ शेयर किया और उसने इसको अप्रूव किया सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट ऑल द अदर वरियंस और हम इसको कंटिन्यू करेंगे सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप स्केच करते हैं तो स्केचिंग के एंड पे आपने ख़ुद से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्केच सबसे ज़्यादा पसंद है या अगर आपने अपने स्केचेस को क्लाइंट के साथ शेयर किया है या आप टीम मेंबर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं सो यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस टैम्पलेट को किस स्केच को अप्रूव करना है और उसको आगे लेके जाना है सो वी आर गोइंग टू स्किप ऑल दीज स्केचेस और हम इस स्केच को अपने डिज़ाइन की तरफ लेके जाएंगे सो क्रिएट अ स्केच ऑफ योर बिजनेस कार्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो कि आपने कलेक्ट की है और अपने एक स्केच को अप्रूव करें उसको फाइनलाइज करें और नेक्स्ट लेसन में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टैम्पलेट बिजनेस कार्ड टैम्पलेट और उसके बाद हम उस टैंपलेट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को प्लेस करेंगे सो इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच